नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से दो प्रखंडों को जोड़ने वाली पुलिया हुई ध्वस्त, ग्रामीणों में आक्रोश। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत निशुल्क पुलिस पाठशाला का हुआ शुभारंभ। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में दिखा उत्साह। भिकनपुर के साधु सेवा आश्रम से गायब महिला सकुशल हुई बरामद, बाबा पर लगाए आरोप को बताया निराधार। जगदेशपुर में खाना बनाने के दौरान तीन घरों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और जलापूर्ति योजना के लिए लाए गए पाइप की चोरी करते दो चोर रंगे हाथ गिरफ्तार। और अब खबर विस्तार से। नौगछिया के नारायणपुर प्रखंड के सजादपुर पंचायत से नाथनगर भागलपुर को जोड़ने वाली पुलिया बाढ़ और पानी की तेज दबाव से ध्वस्त हो गई है। पुलिया के ध्वस्त होने से जहां पंचायत के सैकड़ों घर में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया, वहीं सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया। पुलिया के टूटने से ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और लोग भय के माहौल में जीने को विवश हो गए। ग्रामीणों के अनुसार पुलिया का निर्माण कार्य 2017 में पूरा हुआ था और महज 2 वर्षों में ही ध्वस्त हो जाने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण पुलिया टूटने का कारण निर्माण कंपनी द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग करना मान रहे हैं। एक ओर जहाँ ग्रामीण भीषण संकट झेल रहे हैं, वहीं सरकार विभाग की ओर से उचित मदद नहीं मिलने के कारण काफी आक्रोशित भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्य को लेकर जिलाधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद समस्या कम नहीं हो रही है। भागलपुर सैंडिस कंपाउंड के ओपन ऑडिटोरियम में रविवार को कम्युनिटी पुलिसिंग के बैनर तले निःशुल्क पुलिस पाठशाला का शुभारंभ हुआ। जिले के पुलिस कप्तान आशीष भारती, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, डीएसपी हेडक्वार्टर ओम प्रकाश कुमार, सुनील कुमार, डीएसपी ट्रैफिक आर के झा, ततारपुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार, पूर्व विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष समरेंद्र कुमार एवं पुलिस पाठशाला के समस्त शिक्षक समेत कई पुलिस अधिकारियों ने सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर पाठशाला की शुरुआत की। एसएसपी आशीष भारती ने छात्र छात्राओं को समय का महत्व बताया और मेहनत के साथ पढ़ाई करने की बात कही। एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि हाल ही में आई वैकेंसी बिहार सब इंस्पेक्टर और बीपीएससी के आवेदन को ध्यान में रखते हुए कक्षा शुरू की गई है। साथ ही उन्होंने छात्रों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई करने पर जोर दिया। वहीं छात्रों को संबोधित करते हुए सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि इस पाठशाला में एक ही मंच पर कई महागुणी शिक्षकों का समावेश है, जो किसी भी छात्र को शिखर तक ले जाने के लिए काफी है, बशर्ते छात्रों को शिक्षकों के दिशा निर्देश का अनुसरण करना होगा। वहीं पुलिस पाठशाला के कोऑर्डिनेटर सुबोध कुमार और मोटिवेटर रविकांत घोष ने छात्रों को टेलीग्राफ ग्रुप की जानकारी दी, जबकि पाठशाला में अपनी सेवा दे रहे शिक्षकों ने प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को किताब से दोस्ती और मोबाइल से दूरी बनाए रखने की बात कही और प्रत्येक सेकेंड को बहुमूल्य बताया। इसके पूर्व पुलिस पाठशाला के सभी सदस्यों और छात्रों ने 2 मिनट का मौन रखते हुए पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौके पर राजेंद्र चंद्रवंशी, विनय कुमार सुमन, अजय कुमार यादव, डॉक्टर सुमन कुमार, गोपाल कृष्ण झा, राजीव भगत समेत कई शिक्षक मौजूद थे। मेरा ये मानना है कि सभी में टैलेंट है, लेकिन गाइडेंस की कमी के कारण वो अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि हम लोग उनको सही गाइडेंस दे सकें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे युवा हैं वो उसका पालन करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त करेंगे, और जिससे ना सिर्फ एक वो अपने परिवार या अपना उनका जो व्यक्तिगत उनको लाभ मिलेगा, परंतु जो इस पाठशाला से जो लोग निकलेंगे वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और एक अच्छा समाज और अच्छा भारत का निर्माण। हम लोगों ने जो पिछली कक्षाएं की हैं उसमें से हमारे 50 से ज़्यादा बच्चे इसमें सिलेक्शन पाए हैं, और वो एक से 50 बच्चों की बात नहीं है, उससे 50 परिवार जुड़े हैं और कई लोगों में ये उम्मीद जुड़ी है, जो खास करके हमारे कई जो काफ़ी जिनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी रहती है उनमें एक आशा की किरण जगी है। बहुत ज़्यादा विकल्प के बारे में जब आप सोचने लगेंगे तो डिस्ट्रैक्शन आने लगेगा। अगर सीधा एक गोल तय कर लेंगे और रोज़ उस गोल को देखेंगे और उस गोल के लिए लगनशील रहेंगे तो निश्चित रूप से आप उस गोल को अचीव करेंगे, ये शाश्वत सत्य है। हम लोग का मेन मकसद है पुलिस पाठशाला का, जितने भी निशा आदमी हैं जिनके पास निर्धनता है वो इस पाठशाला के द्वारा पढ़ करके आगे से ऊंचे शिखर को प्राप्त करें। हम लोग का मेन मकसद यही है। भागलपुर के बच्चे
सबसे आगे हों सभी जिलों से। भिगनपुर के मिश्रा टोली में साधु सेवा आश्रम के संचालक दुर्गेश्वर बाबा के घर पर महिला को गायब करने के आरोप में नाथनगर नूरपुर के लोगों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया था। परिजनों ने बाबा पर महिला को गायब करने का आरोप लगाया था। शनिवार की देर रात महिला सकुशल अपने घर वापस लौट आई। महिला के अनुसार घरेलू परेशानी को लेकर वह बाबा दुर्गेश्वर से मिलने गई थी, जिसमें बाबा ने महिला के पति का किसी दूसरी औरत के साथ संबंध होने की बात कही। वहीं बाबा ने महिला को परेशानी से बचने के लिए वासुकीनाथ मंदिर में हवन करने की बात कही। वहीं महिला के वापस घर आ जाने के बाद पुलिस ने बाबा दुर्गेश्वर मिश्रा को पीआर बांड पर छोड़ दिया। महिला नाथनगर की गायब थी और अपने घर से वो संपर्क नहीं कर रही थी और एक तांत्रिक बाबा जो है उसके कहने पर वो चली गई थी वासुकीनाथ। महिला स्वतः आ गए और पूछताछ में उन्होंने अपहरण की बात से इनकार किया, बोला कि सलाह दिए थे इसलिए मैंने परिवार को नहीं बताया था। तो आ गए हैं और इस रोशनी में हम लोग बाबा को मुक्त करेंगे और बाबा के घर के परिजनों ने जो बयान दिया उसके आधार पर तोड़फोड़ का भी मुकदमा कर दिया। दो ढाई साल से कहाँ थे आप, इतना दिनों से कहाँ? हम अपने घर से कहा यहाँ गए थे, बाबा धाम गए थे। बाबा भी देते आप? हाँ, बाबा बोले थे कि तुम्हारे घर अगर तुम अपने घर को सुख शांति चाहती हो तो हम तुम मेरे घर पे पहले आए। बाबा घर पे आए और बोले कि तुम अगर अपने घर को सुख शांति चाहती हो तो वासुकीनाथ में तुम हवन करा लो, तुम्हारा सारा कर्ज खत्म हो जाएगा, तुम्हारे घर में सुख शांति मिलेगा। वो ढाई साल में आप क्या देखी बाबा के यहाँ? हमेशा आपका आना जाना लगा रहता था? नहीं, कुछ ऐसा हम नहीं जाते थे। किस टाइप के थे बाबा? क्या उसमें आस्था है आपका या वो किस टाइप के? हाँ, आस्था थे वो, मतलब बोलते थे ना कि हम शंकर भगवान। भागलपुर के जगदीशपुर में खाना बनाने के दौरान आग लगने से 3 घर जलकर खाक हो गया। आग लगते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। दरअसल रविवार की सुबह जगदीशपुर के तांती टोला में पप्पू तांती की पत्नी खाना बनाने रसोई में गई, जहां उसने जैसे ही लाइटर जलाया उसी दौरान आग भभक उठा और पूरे घर में फैल गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते 3 घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो सके। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में 1,00,000 रुपए से अधिक का सामान जलकर नष्ट हो गया। भागलपुर में जलापूर्ति योजना के लिए सड़क किनारे रखे गए पाइप की चोरी करते 2 चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ धर दबोचा, जिसके बाद लोगों ने पकड़े गए चोर की जमकर पिटाई करते हुए तिलका मांझी पुलिस के हवाले कर दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तिलका मांझी थाना क्षेत्र के मुंदीचक बिसारी मंदिर के समीप जलापूर्ति योजना के लिए पैन इंडिया द्वारा पाइप रखा गया, लेकिन पैन इंडिया कंपनी से नगर निगम का अनुबंध समाप्त होते ही कंपनी वापस चली गई। वहीं सड़क किनारे रखे पाइप को देख रविवार को सराय के रहने वाले खालिद जुगाड़ गाड़ी पर पाइप लोड कर भागने की फिराक में था। इसी दौरान स्थानीय युवक की नजर पाइप को लोड कर रहे चोर पर पड़ी, जिसके बाद स्थानीय युवकों ने चोर की जमकर क्लास लगाई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पार्षद पति राजेश मंडल मौके पर पहुंचे और पकड़े गए दोनों चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। भागलपुर के नौगछिया तेतरी कलवलिया धार में पानी उतरने के कारण तेतरी जानवी चौक 14 नंबर सड़क का अस्तित्व खतरे में आ गया है। गंगा की तेज धार के कारण पानी का रिसाव सड़क के नीचे तेज हो गया। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन ने 14 नंबर सड़क पर बैरिकेडिंग की है। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और बचाव कार्य तेज करने की बात कही। विगत 2 दिनों से विभाग द्वारा कटाव रोकने के लिए कार्य किया जा रहा है, लेकिन तेज बहाव और गंगा के जलस्तर में हो रही वृद्धि के कारण रिसाव कम नहीं हो रहा है। वहीं रिसाव के कारण सड़क पर अधिक दबाव नहीं पड़े, इसको लेकर 14 नंबर सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप है। जल्दी रिसाव पर काबू नहीं पाया गया तो सड़क ध्वस्त होने के साथ आसपास के खेतों की फसल के नुकसान की भी आशंका किसानों को सता रही है। जबकि कटाव को लेकर गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने कहा कि सरकार की ओर से बाढ़ कटाव को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किया गया है और संबंधित विभाग की टीम बचाव कार्य में जुट गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई, लेकिन इस बार सड़क नहीं टूटने दिया जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर, स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584, 8430075573।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिलेक्ट टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर मधुसूदनपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों तस्करों की पहचान मनियारपुर गांव निवासी जगदीश सिंह के पुत्र संजीत सिंह और रंजीत सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व मनियारपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर सैकड़ों लीटर देसी शराब के साथ शराब बनाने के उपकरण को बरामद किया था। छापेमारी की भनक लगते ही दोनों तस्कर फरार हो गया था। रविवार की सुबह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आश्रा संस्था की ओर से नाथनगर रामपुर खुर्द मुसहरी गांव में रविवार को जन्माष्टमी समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमा की पूरे विधि विधान से बच्चों एवं लोगों ने पूजा की और माहौल भक्तिमय हो गया। इसके अलावा बच्चों के लिए कई मनोरंजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जबकि बच्चों को भागवत गीता के उपदेश एवं महत्व की जानकारी संस्था के सदस्यों ने दी। कार्यक्रम में पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर संयोजक अंजलि वर्मा, अभिषेक डोकानिया, आशीष सराफ, ऋषभ मंटू, रिया वर्मा, मेघा समेत संस्था के कई सदस्य एवं बच्चे मौजूद थे। भागलपुर उर्दू राबता की ओर से गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में कमेटी के सभी सदस्यों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और 2 मिनट का मौन रखा। मौके पर उर्दू राबता कमेटी के अध्यक्ष डॉ. साहिद रजा जमाल और सचिव डॉ. हबीब मुर्शिद खान ने पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि डॉक्टर मिश्र के कार्यकाल में ही उर्दू भाषा को बिहार में नई पहचान मिली। श्रद्धांजलि सभा में सलीम सुगंध, महबूब आलम, तकी अहमद जावेद, रिजवान खान, मंजर आलम, रामविलास भगत समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं सुल्तानगंज के नई दुर्गा स्थान प्रांगण में नगर भाजपा द्वारा पूर्व वित्त मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता दिवंगत अरुण जेटली का श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष संजय चौधरी ने की। भाजपा नेताओं ने अरुण जेटली के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मौन रखकर नगर भाजपा के पदाधिकारियों ने अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नगर अध्यक्ष संजय चौधरी, एनडीए संयोजक अरुण चौधरी, मनोज सिंघानिया, भाजयुमो के जिला प्रवक्ता कुमार सरवन, जिला मंत्री गौतम सिन्हा, पार्षद व भाजयुमो नगर अध्यक्ष नवीन कुमार बन्नी समेत काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुल्तानगंज प्रखंड के वीरखुर्द गांव में कृष्ण उत्सव हर घर में धूमधाम से मनाने की परंपरा है। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर गांव में 3 दिनों तक मेला आयोजित किया जाता है। आयोजन के अंतिम दिन गांव में भजन कीर्तन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वीरखुर्द पंचायत के मुखिया संजीव कुमार सुमन ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुखिया ने कहा कि गांव की यह परंपरा एक मिसाल बन चुका है। ऐसे आयोजन से सामाजिक सद्भाव और एक दूसरे के बीच मित्रता का रिश्ता कायम होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने कृष्ण के बाल लीला का झांकी प्रस्तुत किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने कार्यक्रम का जमकर आनंद उठाया। बदलते मौसम में इन दिनों लगातार वायरल डिजीज का खतरा काफी बढ़ गया है। उमस भरी गर्मी, तेज धूप या फिर कभी बारिश हो जाने के कारण बच्चों के साथ बड़े भी सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द एवं पेट से संबंधित बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। लेकिन जानकारी के अभाव एवं लापरवाही के कारण कई बार मरीज की हालत अधिक बिगड़ जाती है। इसी को देखते हुए भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिथिलेश मुकुल ने कहा कि बदलते मौसम के कारण होने वाली बीमारियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या बढ़ सकती है। आमतौर पर गंदगी, बैक्टीरिया एवं रोगी के संपर्क में रहने से ऐसी बीमारी होती है। बेसिकली ये जो है बच्चे में जो सर्दी, खांसी, बुखार, ये बेसिकली वायरल डिजीज है और ये राइनो वायरस सबसे जो कॉमन है, राइनो वायरस है। इसके अगेंस्ट में वैक्सीन तो अभी तक प्रिपेयर नहीं हो पाया है, कोई भी ऐसा वैक्सीन नहीं है रोकथाम के लिए। इसका एक तरीका है कि प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं कि ये नहीं हो। सबसे पहला जो रूम है वो हवादार हो,
घर में किसी को कोई किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए बड़े को, तो उसको और से थोड़ा सा अलग रहना है। तो इससे हुआ कि एक दूसरे को, ये कम्युनिकेबल डिजीज है बेसिकली, कि एक को हुआ तो पूरे घर में सबको हो जाएगा, जो भी एक दूसरे से, या टॉवेल है, एक टॉवेल यूज किया जो डिजीज जिसको है, दूसरा उसी टॉवेल से फिर पोंछ लिया शरीर को, तो उससे भी हो सकता है उसको, ये भी एक है। ये तो हो गया कि साफ सुथरा रोज नहाना है, नहाना धोना हाइजीन मतलब ये है। दूसरा है कि क्लोज में एक रूम में बहुत ज़्यादा नहीं सोना है, वो क्या करता है गरीबी है या फिर एक ही रूम में सो गया पैक करके पूरा लोग, उसमें किसी को सांस का तकलीफ हुआ वो एक दूसरे में पूरे रूम में फैल रहा है और सांस लिया फिर वो बैक्टीरिया जो है दूसरे में भी चला गया वो सांस के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि, इसलिए ज़रूरी है कि पहले की हाइजीन, दूसरा है कि एक रूम में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग ना हो, तो ये भी दूसरा तरीका है। तीसरा, वैक्सीनेशन इसका तो है नहीं, तो कुछ कुछ डिजीज है जिसका कि वैक्सीन है लेकिन इस बीमारी में इसका कोई वैक्सीन नहीं है, जो राइनो वायरस, ये वायरस जो ये चला हुआ है इस समय का सीजन का, तो इसका एक ही तरीका है कि बस ये आप जब भी हो तुरंत इमीडिएट कॉन्टैक्ट कीजिए डॉक्टर से, और जहाँ तहाँ दिखाने से इसे काम नहीं चलता है इसमें, इसलिए कि वो समझ नहीं पाता है कि रियल में है क्या, कोई बुखार है तो बुखार का दे दिया, सर्दी है सर्दी का दे दिया, कि कारण रियल में क्या है, उसका रियल में कारण डॉक्टर से दिखा के ही दवाई लेने में ही फायदा आता है। बांका एसपी अरविंद गुप्ता के निर्देश पर अमरपुर पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। दरअसल शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए इंस्पेक्टर वकील प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने अमरपुर के गौरीपुर गाँव झरना गाँव में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बबलू हांसदा की पत्नी सावित्री देवी को 18 लीटर देसी शराब और शराब बनाने में प्रयुक्त उपकरण को बरामद किया। वहीं भैरव मंडल के घर छापेमारी कर 40 बोतल विदेशी शराब को किया। पुलिस ने देसी शराब बनाने के लिए बनाए गए भट्टी को भी ध्वस्त कर दिया है। छापेमारी टीम में अमरपुर थाना अध्यक्ष कुमार सन्नी, एसआई राजेश कुमार सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। पीबीएस कॉलेज बांका में छात्र संघ को संचालन की मांग को लेकर छात्र संघ अध्यक्ष अमरजीत आनंद ने कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष ने कहा कि कॉलेज में कोष संचालन को लेकर एक माह से प्राचार्य जेपी श्रीवास्तव से वार्ता की जा रही थी लेकिन प्राचार्य हमेशा टाल मटोल करते रहे। वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद प्राचार्य ने छात्र संघ को कोष संचालन की अनुमति दे दी। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से दो प्रखंडों को जोड़ने वाली पुलिया हुई ध्वस्त, ग्रामीणों में आक्रोश। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत निशुल्क पुलिस पाठशाला का हुआ शुभारंभ, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में दिखा उत्साह। भिकनपुर के साधु सेवा आश्रम से गायब महिला सकुशल हुई बरामद, बाबा पर लगाए आरोप को बताया निराधार। जगदेशपुर में खाना बनाने के दौरान 3 घरों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। और जलापूर्ति योजना के लिए लाए गए पाइप की चोरी करते 2 चोर रंगे हाथ गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।